Starting with the name of Allah, most beneficent, most merciful, myself Numan Zahid. Today's the topic of our lecture is related with marketing process part 2. In the previous lecture, we have already discussed what is marketing process and what are the basic steps involved in it. Or in the previous lecture, हम ये भी discuss कर चुके हैं के दो स्टेप्स, द नंबर वन स्टेप अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड एंड वांट्स क्या होता है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर हम कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी अप्रोच को यूज़ करें तो वो कैसे कर सकेंगे, तो ये दो स्टेप्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम कोई मार्केटिंग प्रोग्राम को इंटीग्रेट करवाएं तो हाउ वी विल इंटीग्रेट मार्केटिंग प्रोग्राम, what are the different steps involved in it और उसका procedure क्या होगा। उसके अलावा आज हम discuss करेंगे कि हम अगर profitable relationship build करना चाहते हैं, जिसे आप CRM customer का जो relationship है उसको अगर हम build करना चाहते हैं तो उसको कैसे करेंगे। और जब हम ये चार step पे focus कर लेंगे, step one जो marketing process के थे वो part one में, next two step we will discuss today and when we complete all these steps we will able to capture value from customer और हम क्या करेंगे, create profit and customer equity हम कर सकेंगे। तो start करता हूँ आज का lecture कि हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम को कैसे डिलीवर कर सकते हैं, स्पीडियर वैल्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्रिपेयरिंग एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम, तो उसके अंदर बेसिक रूल क्या है, मार्केटिंग मिक्स का एक रूल है, एक टूल है जो हमें क्या करता है, चार पीस है, फोर पीस, लेकिन अब सेवन पीस का भी ट्रेंड है, तो वी विल डिस्कस फोर बेसिक पीस। हम फोर पीस को डिस्कस करेंगे जिसकी मदद से हम मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बेटरमेंट करते हैं, चाहे वो स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म के लिए हो, चाहे वो स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म के लिए हो। तो व्हाट आर डिफरेंट फोर पीस, द वन पीस इज प्रोडक्ट, द सेकेंड इज प्राइस, द थर्ड इज प्रमोशन एंड फोर्थ इज प्लेस। अब इसकी डिटेल वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्लान प्रोग्राम क्या होता है, ये प्लान क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि क्या कर सकता हो, व्हेन वी पुट दीज फोर पीस, जब हम अपनी प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन और प्लेस को पुट कर सकेंगे, पुट कर देंगे, तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम एक वैल्यू क्रिएट कर सकेंगे कस्टमर्स के लिए। हम एक वैल्यू क्रिएट कर लेंगे, वी विल एबल टू क्रिएट अवर गुडविल, हम क्रिएट कर सकेंगे। अब वो चार स्ट्रेटजी को देखते हैं कि अगर हम डेवलपिंग करें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मिक्स की तरफ जाएं, या स्ट्रेटजी को देखें, या मार्केटिंग मिक्स को देखें, या फोर पीस को देखें, तो हम बेसिकली क्या क्या चीज़ों को देखेंगे। इन चार पीस की मदद से वी विल एबल टू गेट टारगेट कस्टमर, वी विल एबल टू मेंटेन पोजीशनिंग। तो इन चार की मदद से हम ये सारी चीज़ों को हम ये क्या कर सकेंगे, डिस्कस कर सकेंगे, हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम डिस्कस कर चुके कर सकें। तो हम इन तमाम चीज़ों को वन बाय वन स्टडी करते हैं ताकि हम इस काबिल हो जाएं कि हम अंडरस्टैंड कर सकें फोर पीस को। तो द नंबर वन इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल कोरोवेंट के अंदर आपने ये बताना है कि क्वालिटी क्या है, आप टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को अप्रोच कर रहे हैं, आप ISO स्टैंडर्ड्स को अप्रोच कर रहे हैं, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो वो किस तरह का है, उसका डिज़ाइन क्या रखेंगे, उसकी पैकेजिंग क्या रखेंगे, ब्रांडिंग क्या होगी, उसके अलावा अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं तो कस्टमर तक कैसे पहुंचाएंगे, तो आपका सप्लाई चेन का प्रोसीजर क्या होगा, आप किस तरह चीज़ों को लेके चलेंगे, तो ऑल अबाउट प्रोडक्ट। व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्राइस, प्राइस के अंदर हम क्या चीज़ों को डिस्कस करेंगे, प्राइस के अंदर हम देखेंगे हमारी लिस्ट प्राइस क्या है, हम देखेंगे हमारी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे, हमारे अलाउंसेस क्या है, हमारा जो है करंट पीरियड क्या है, हमारा IRR अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं या NPV कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उससे हमें प्राइस में कितना फ़र्क पड़ेगा या हम फ्यूचर में किधर जा सकते हैं, तो हम ये सारी चीज़ें प्राइस में डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन, किसी भी प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के लिए, किसी भी सर्विस को बेहतरीन बनाने के लिए वी नीड फॉर एडवर्टाइजमेंट।
हमें पर्सनल सेलिंग करनी होगी, एडवर्टाइजिंग करनी होगी, सेल प्रमोशन करना पड़ेगा, पब्लिक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बगैर हम अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को बढ़ा नहीं सकते, बेहतर नहीं कर सकते, चला नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे इन द प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट अपनी हमारी कॉस्ट क्या आएगी, हमारी सेलिंग पर्सनल सेलिंग पे कॉस्ट क्या आएगी, तो ये हम सारी चीज़ों को देखेंगे। और एट दी एंड प्लेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारे चैनल्स क्या होंगे डिस्ट्रीब्यूशन के, कौन सी चीज़ों को हम कवरेज करेंगे, किस एरियाज को हम टारगेट बनाएंगे, हम प्रोडक्ट को कितनी लोकेशन में पहुंचा देंगे, हमारी इन्वेंट्री किस तरह पहुंचेगी, हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन वाले होंगे वो किस तरह उसको पहुंचाएंगे। उसके अलावा ये सारी चीज़ें, प्लेस हमारा मेन हेड ऑफिस कहाँ होगा, हमारे और सेंटर्स क्या होंगे, हमारी फ्रेंचाइजेस क्या होंगी, तो वो ये सारी चीज़ें वी विल डिस्कस इन द प्लेस। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग मिक्स के अंदर फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस, हमारे पास इस टाइम 7 और 9 पीस भी है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस जो है वो 4 को हम यूज करते हैं। द नंबर 1 इज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अंदर हमने हर चीज़ को देख लिया, प्राइस के अंदर हमने डिस्कस कर लिया, प्रमोशन को हमने देख लिया, प्लेस को हमने स्टडी कर लिया। ऑन द बेसिस ऑफ और फैक्टर वी विल एबल टू गेट टारगेट कस्टमर्स। अब हम इस काबल हो गए कि हम टारगेट कस्टमर्स को अप्रोच कर सकते हो, अब हम पोजीशनिंग कर सकेंगे, ब्रांडिंग कर सकेंगे, बेटरमेंट की तरफ आएंगे, 80-20 को कैप्चर कर सकेंगे और इस तरह हम इस स्टेप को मीट कर सकेंगे। तो हमारा ये स्टेप था कि हम कंस्ट्रक्ट करें इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम जो कि हम सुपीरियर हमें वैल्यू क्रिएट कर सके, इस काबल होकर डिलीवर कर सके। तो द फोर्थ स्टेप इज रिलेटेड विद बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। अब हमने क्या करना है, प्रॉफिटेबल अगर रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे पास होता है CRM। CRM क्या कहता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर द प्रोसेस, ओवरऑल प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप बाय डिलीवरिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। देखें बात वो है कि अगर हम कस्टमर्स को अटैच करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, सुपीरियर बनाना पड़ेगा। अब कस्टमर सुपीरियर कब बनेगा, कस्टमर आपके साथ चलेगा कब, कस्टमर आपके साथ एनालिसिस करने के काबिल कब होगा, व्हेन यू विल बी एबल टू सेटिस्फाई योर कस्टमर। द बेसिक थिंग इज सेटिस्फैक्शन। तो आपको कस्टमर को सेटिस्फैक्शन करना है। सेटिस्फैक्शन कैसे करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए, आपको पॉजिटिव रिलेशनशिप लेके चलते हुए, कस्टमर को लेके चलते हुए। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट, सबसे पहली बात आपने सिर्फ बिल्ड नहीं करना, देयर आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। द वन थिंग इज रिलेटेड विद द बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग। बिल्ड करना आसान है लेकिन वक्त के साथ साथ उसको मेंटेन भी करना है। व्हेन यू विल बी एबल टू बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप, तो होगा क्या, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी। और जब कस्टमर की सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होगी तो यू विल बी एबल टू फुलफिल द फोर्थ थिंग, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। तो चारों प्रोसीजर को हमने लेके चल गया, इस प्रोसीजर को हम कहते थे क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। और एट दी एंड व्हेन वी विल बी एबल टू कंप्लीट दी मार्केटिंग प्रोसेस, जो कि पहले दो स्टेप इज डिस्कस इन पार्ट वन एंड दी अदर टू स्टेप इन डिस्कस नाउ। और जब ये चारों प्रोसीजर को हम कंप्लीट कर लेंगे तो होगा क्या, कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। अब कस्टमर हमारे साथ है, अब हम इस काबल हो गए हैं कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, अब हम इस काबल हो गए हैं कि कस्टमर की इक्विटी को ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये फोर्थ स्टेप हमें इस काबल करती है कि कस्टमर को अपने साथ लेके चलते वक्त हम कैप्चर कर सके इन रिटर्न। हमने जब मार्केटिंग डेफिनेशन को पढ़ा था तो उसके अंदर ये किया था, अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो कैप्चर कर लेते हैं कस्टमर को इन रिटर्न। आज हमने वो डिस्कशन के अंदर वो टॉपिक को कंप्लीट कर दिया है कि मार्केटिंग प्रोसेस जब हम कंप्लीट कर देंगे तो वी विल एबल टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर इन रिटर्न। अब कस्टमर आपके साथ है, कस्टमर आपके साथ चलेगा। थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह मीट यू इन द नेक्स्ट टॉपिक, जिसके अंदर जो टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक को। अब थैंक यू वेरी मच।